अस्सलाम वालेकुम इमरान हुसैन खान, हम देख रहे थे इस न्यूज़ वेबसाइट को और ये न्यूज़ मैगजीन का प्रीमियम थीम था और हम फ्री थीम को यूज़ कर रहे थे। प्रीमियम थीम का भी कुछ और है और प्रीमियम थीम ये हमें $46 का दे रहा है, बट यहाँ पर मैं इस थीम को लीव कर रहा हूँ और मैं एक न्यूज़ पेपर का थीम, न्यूज़ का पेपर के नाम से थीम है थीम फॉरेस्ट का, इसको मैंने डाउनलोड किया है और इसको मैं इंस्टॉल करूँगा। बेसिकली ये 60 MB का थीम है, मैं इसलिए इसको यहाँ से अपलोड नहीं करूँगा, इसके लिए मुझे फिर इसकी यहाँ से अदर थीम को अपलोड करने के दो तरीके होते हैं। एक तो यहाँ से आप ऐड न्यू करके आप यहाँ से अपलोड पे क्लिक करते हैं और चूज फाइल करके जिप फाइल को अटैच कर देते हैं। दूसरा मेथड ये होता है आप मैनुअली जहाँ पे आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया है, आप अगर आपकी होस्टिंग ऑनलाइन है तो आप FTP के थ्रू एक्सेस कर लेते हैं। अगर आप लोकली कर रहे हैं तो ये XAMPP के फोल्डर में मैंने HTDocs में किया और ये मेरा फोल्डर है वर्डप्रेस का, इसको मैंने ओपन किया। यहाँ से मेरे पास वर्डप्रेस कंटेंट का फोल्डर है, इसको ओपन किया, इसमें हमारे पास थीम है और थीम में हमारे पास ये 4 थीम इस वक्त पड़े हुए हैं और यही थीम 4 थीम हमें यहाँ पर नज़र भी आ रहे हैं कि ये हमारे पास स्टार्ट है। तो यहाँ से मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ और इसको हम पहले वैसे मैं ओपन कर लेता हूँ, इसमें कितने फोल्डर हैं, मैं हमारे पास डिफरेंट काफ़ी सारे फोल्डर हैं जिसमें प्लगइन्स भी हैं, PSD भी पड़ी है इसकी, लेकिन एक्चुअल जो थीम है हमारा वो ये वाला थीम पेपर वाला जो हमारा ये है, ये हमारा एक्चुअल थीम है। बाकी ये स्लाइडर वगैरह हैं, ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, इस थीम को इंस्टॉल कैसे करना है, इस थीम को कॉन्फ़िगर कैसे करना है, तो ये हमें उसमें मिला। तो मैं इसमें जो हमारा थीम है उसको सेट कर लेता हूँ पहले। एक्सट्रैक्ट होके हमारे पास आ गया, ये जस्ट 1 MB का है, इसको अब मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ फर्दर न्यूज़ पेपर के फोल्डर। ये हमारे पास हो गया आ गया। अभी आप यहाँ से थीम पे क्लिक करें, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से आपको न्यूज़पेपर के नाम से ये थीम हमारे पास आ गया है। ये इसको मैं जस्ट एक्टिवेट करूँगा, इस थीम को मैं आपको थीम फॉर प्रोजेक्ट की भी दिखा देता हूँ। न्यूज़पेपर ये हमारे पास ये थीम था $60 का, इसका आप प्रीव्यू चेक करें। बहुत सारे डेमो हैं इसमें, तो ये मैं कोई सा एक डेमो सिलेक्ट कर लेते हैं, लाइक फर्स्ट वाले को मैंने क्लिक किया, ये कुछ इस तरह से इसकी लुक बनती है, वेबसाइट कुछ आपकी इस तरह से शो हो। तो मैं अपनी वेबसाइट पे भी यही थीम यूज कर रहा हूँ। अभी मैं इसको इंस्टॉल किया है थीम को और मैं अब इसके प्लगइन्स को एक्टिव कर रहा हूँ। प्लगइन के एक्टिव होने के बाद आप एक दफा इसका प्रीव्यू चेक करें, ये अब आपका नया थीम इंस्टॉल हो गया है बट इसकी अभी सेटिंग्स नहीं हुई। प्लगइन्स के इंस्टॉल होने के बाद हम इसकी सेटिंग्स पे काम करेंगे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और आप इसका डेमो भी इंपोर्ट कर सकते हैं। डेमो इंपोर्ट करने के बाद वो उसकी जितनी भी सेटिंग होंगी वो उस डेमो के मुताबिक उसकी ऑटोमेटिकली सेटिंग हो जाएगी। उसमें जस्ट हमने जाके अपना लोगो चेंज करना होगा, अपने कॉन्टैक्ट्स चेंज करने होंगे, अपनी और कोई फर्दर सेटिंग करनी है या अपना कोड एम्बेड करना है इसमें, अपना एडसेंस का कोड ऐड करना है तो वो हम उनको हम ऐड कर सकते हैं। ये डाउनलोड हो रहे हैं प्लगइन्स, आप मैनुअली भी इंस्टॉल कर सकते थे यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके,
प्लगइन्स को एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप प्लगइन्स के फोल्डर में जाकर यहाँ पर पेस्ट कर देते तो वो ऑटोमेटिकली हमारी वेबसाइट पे प्लगइन इंस्टॉल। इतनी देर इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैं आपको थोड़ा सा यूजर्स के बारे में बता देता हूँ। यहाँ से अभी ये हमारे पास एडमिन लेवल पे एक यूजर है, आप एक से ज्यादा यूजर भी क्रिएट कर सकते हैं। यूजर की वर्डप्रेस में जो सेटिंग है उसमें ऑटोमेटिकली जो साइन अप करके यूजर आता है कमेंट करने के लिए उसको हम सब्सक्राइबर लेवल पे सेट कर लेते हैं। बाकी कंट्रीब्यूटर, ऑथर और एडिटर लेवल पे हम यूजर डिफरेंट टाइप के बनाते हैं। और इस तरह से उनको डिफरेंट टाइप की एक्सेस मिलती है। कंट्रीब्यूटर लेवल पे और एक्सेस होती है, ऑथर लेवल पे और होती है, एडिटर लेवल पे और होती है। एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे तो फिर वो चाहे वेबसाइट डिलीट कर दे, चाहे वेबसाइट सारी रीन्यू बना दे, चाहे थीम चेंज कर ले, बाकी यूजर्स में ये चीज़ें नहीं होती। इनके बारे में आप स्टडी कर सकते हैं वर्डप्रेस की वेबसाइट पर जाके या किसी भी वेबसाइट में कि इन यूजर्स के कितने राइट्स होते हैं, कौन सा यूजर क्या काम कर सकता है। यूजर बनाने के लिए आप जस्ट यहाँ यूजर नेम देंगे, ईमेल देंगे, उनके नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और उसके बाद पासवर्ड सेट करेंगे और ऐड न्यू यूजर करेंगे। इस तरह से आप ये जो वेबसाइट्स होती हैं वर्डप्रेस के ऊपर बनाई हुई, इसमें मल्टी यूजर काम करते हैं और वो अपनी अपनी डिफरेंट पोस्ट को ऐड करते हैं, और बाद का हम गेस्ट यूजर को भी इनेबल कर देते हैं। तो गेस्ट यूजर के ये काम होता है कि वो हमारी साइट के ऊपर अपनी पोस्ट जो है वो खुद बखुद वो खुद लगा सकते हैं, अपना आर्टिकल खुद भी पोस्ट कर सकते हैं। हमारे प्लगइन्स, रिक्वायर्ड प्लगइन्स जो थे वो चारों इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हम इसके इंस्टॉल डेमोस पे चलते हैं। या आप डेमो इंस्टॉल नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट थीम पैनल पे चले जाएं। ये हमारे पास अभी इंस्टॉल हो गया है थीम। अभी मैं इसका एक डेमो देखें, ये हमारे पास बहुत सारे डेमो हैं। यहाँ से मैं एक डिफॉल्ट वाला, अच्छा ये कंटेंट के इंक्लूड कंटेंट में ये होगा कि वो पोस्ट को भी इंपोर्ट कर लेगा, पिक्चर्स को भी इंपोर्ट कर लेगा। वो फिर क्या होता है कि बाज़ बाद हम इंपोर्ट कर भी लेते हैं, उसमें ये होता है कि फिर बाद में जाके हम उन पोस्ट को डिलीट कर देते हैं, उसके पेजेस को डिलीट कर देते हैं और अपनी ही पोस्ट को ऐड कर देते हैं। फिर नए सिरे से हम नए पेजेस और नए पोस्ट बना देते हैं या उनको हम एडिट कर देते हैं। और अगर आप सिर्फ सेटिंग को इंपोर्ट करना चाहते हैं, डिज़ाइन ओनली आ रहा है, तो डिज़ाइन पे अगर आप सिर्फ डिज़ाइन को उठाते हैं तो उसमें क्या होगा कि डिज़ाइन सिर्फ इंपोर्ट होगा उसका थीम का, लेकिन हमारी उसकी पोस्ट और वो बाकी चीज़ें इंपोर्ट नहीं होंगी। मैं यहाँ पर ये करता हूँ कि उसकी पोस्ट भी इंपोर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि हमें बार बार पोस्ट करनी पड़ती है। तो हम यहाँ से इस तरह करते हैं, उसकी कॉन्टेक्स्ट को भी इंपोर्ट करते हैं। अगर आप उस थीम का प्रीव्यू चेक करना चाहें कि कैसा नज़र आ रहा है, ये डेमो है डिफरेंट टाइप के, जो भी आपने इंपोर्ट कर रहे हैं उसको देखना चाहते हैं, तो पहले आप प्रीव्यू भी कर सकते हैं। तो मैंने ये इंस्टॉलिंग हो रहा है, इसका डेमो इम्पोर्ट हो रहा है। इम्पोर्ट होने तक मैं थोड़ा सा प्लगइन्स पे चलता हूँ। तो यहाँ पर देखें कुछ प्लगइन्स, ये अभी ये डेमो के अपने हमारे थीम के प्लगइन्स आ गए हैं, और एक हमने प्लगइन क्लासिक एडिटर किया था। अच्छा, कुछ रिक्वायर्ड प्लगइन्स हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और वो प्लगइन्स आपको वर्डप्रेस में इंस्टॉल करने चाहिए। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो उनके मुतल्लिक होगा, और मैं आपको बताऊँगा कि वो 5 या 7 प्लगइन्स जो कि एक वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट होते हैं और वो ज़रूर करने चाहिए, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा और उनको इंस्टॉल करना भी बताऊंगा और उनको कॉन्फ़िगर करना भी आपको बताऊंगा।
सेकेंड ही हमारे ये पोस्ट ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो चुकी हैं, बाकी सेटिंग्स हमारी अभी इंपोर्ट हो रही हैं। और नेविगेशन नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मिलता हूँ दोबारा, उसमें आपको मेन्यूज में काम करना बताऊंगा, नेक्स्ट प्लगइन्स के बारे में बताऊंगा और इस न्यूज़पेपर थीम की एडवांस सेटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे।